अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। सरकार हमेशा किसानों के हित की रक्षा करने के लिए करना अपनी जिम्मेवारी सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथासमय मुआवजा दिया जाता है। सरकार सूखे, धूल भरी आंधी, भूकंप, आग, शॉर्ट सर्किट या बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, शीतलहर, पाला, लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तशिल्प हस्तधारण नुकसान आवास के लिए पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करती है। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान के लिए भी राज्य आपदा प्रदान कोष से मुआवजा प्रदान किया जाता है। बाढ़, जल भराव, आग, बिजली की चिंगारी भरी, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी के कारण होने वाली फसलों के नुकसान के लिए राज्य सरकार की ओर से मुआवजों के मापदंड सरकार के मापदंडों की तुलना में अधिक है। 33% या अधिक नुकसान होने पर प्रति किसान 5 एकड़ की सीमा के अधीन भारत सरकार 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो कि 6,883 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान करती है। वहीं राज्य सरकार 75% अगर फसल को नुकसान होता है तो 15,000 रुपये, 75 और 50 के बीच में अगर नुकसान होता है तो 12,000 रुपये और 25 और 50 के बीच में परसेंट में नुकसान होता है तो 9,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करती है। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश अगर नुकसान 25 से 33% के बीच में भी किसी फसल में होता है तो प्रदेश सरकार से उसका मुआवजा दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों के अंदर, लगभग पिछले 2 वर्षों के अंदर, मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश में जितना भी नुकसान हुआ है अलग अलग भी उसका भी मुआवजा है और पिछले 8 सालों के अंदर लगभग 2902 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया गया है। 3902.42। पाले या खराब मौसम के कारण सरसों या सब्जियों के फसल के खराब होने पर श्रीमान जी राजस्व आपदा विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना करेक्शन स्लिप HLRM नंबर 1430 ARS 2/2019/7813 दिनांक 30/7/2009 के अनुसार 1 फरवरी से 1 मार्च तक रबी की फसल की सामान्य गिरदावरी की जाती है। इस दौरान अगर कोई फसल खराबी का पता चलता है तो सामान्य गिरदावरी में कवर कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रमांक 59ER05/2023/68 दिनांक 2/2/23 द्वारा प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में शीतलहर, पाला तथा भारी वर्षा ओलावृष्टि से रबी की फसल 2023 की को नुकसान हुआ है उसको सामान्य गिरदावरी में कवर करने का कार्य करें। उपयुक्त मंडल के माध्यम से अभी आपदा की रिपोर्ट सरकार के क्रमांक 24/5/2022 और भारत सरकार क्रमांक 10/10/2022 के अनुसार सरकार का निर्णय को सुनिश्चित की गई है। जिला से मंडलीय उपयुक्तों को रबी फसल 2023 के खराब रिपोर्ट अभी तक उपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सरकार निर्मल हस्तार अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर ली जाएगी। यहाँ तक जहाँ जल भराव के कारण रबी 23 की फसल बिजाई ना हो पाई है, इस संबंध में सरकार ऑलरेडी डिसीजन ले रही है। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मामला पिछले 4 दिनों की वर्षा का सभी सदस्यों ने उठाया, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए कल ही हरियाणा सरकार ने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके अंदर ये अभी तक रिपोर्ट आई है कि प्रदेश के 11 जिलों के अंदर फसलों को नुकसान हुआ है 25% से ज़्यादा, 11 के अंदर फसलों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 बात कही। एक चीज़ की ओलावृष्टि बारिश पिछले 4 दिनों में हुई है और असलियत है, किसान की फसल का असली नुकसान का आकलन कोई आज नहीं हो पाएगा, अगले 5 से 7 दिन के अंदर एग्जैक्ट पता चलेगा कि उसकी क्रॉप को कितना नुकसान हुआ है और इसीलिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए। हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। अब तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसान इतना टैक्स हैवी नहीं है, अब तक 2720 गाँव के 34,064 किसानों ने 1,57,504 एकड़ का
क्षतिपूर्ति पे पिछले 6 महीनों में फसल खराब लेकर सरकार को अपडेट कराने का काम किया जिसकी रेगुलर वेरिफिकेशन होती है। और दूसरी चीज, माननीय सदस्य ने एक बात कही कि मुआवजा नहीं आएगा 7,000 रुपए 9,000 रुपए। अगर किसी के 75% से ज्यादा क्रॉप लॉस है तो 15,000 रुपए उसको मिले भी हैं पहले भी, अब भी मिलेंगे। कल 2022 की के अंदर ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई थी, उसका 151.42 करोड़ रुपया हमने ट्रेजरीज में डिस्ट्रिक्ट वाइज भिजवा दिया। खरीफ 2021 के अंदर भारी वर्षा हुई थी और कीट हमले हुए थे, 614.63 करोड़ रुपए हमने भिजवा दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। रबी 2021 में कोई नुकसान नहीं हुआ। खरीफ फसल 2020 में कीट हमलों से जो नुकसान हुआ था उसके 269.77 करोड़ रुपया हमने किसानों के खातों में भिजवाए। रबी फसल 2020 के अंदर 114.44, कुल आज तक पिछले अगर मैं 2 साल की 2.5 साल की बात करूं तो 1150.26 करोड़ रुपया हमने किसानों के लिए जहां जहां क्रॉप डैमेज हुआ है भिजवाया है, जो कि यूपीए के 10 साल के बराबर है। और हम तो आज भी कह रहे हैं जहां पाड़ा पड़ा वहां पर जनरल गिरदावरी की रिपोर्ट्स अपडेटेड है। अगर पाड़े की वजह से कहीं नुकसान किसी की भी सरसों की फसल को हुआ है उसकी पूरी भरपाई करी जाएगी। और वहीं दूसरी ओर पर अब जो ओलावृष्टि से सरसों में गेहूं में या किसी आदि सब्जी या और क्रॉप के अंदर नुकसान हुआ है उसको भी सरकार स्पेशल गिरदावरी कराकर इन मापदंडों से पूरी तौर पर उसकी भरपाई करवाई। मैंने सदस्य ने 2 बात पूछी कि एक पुराना मुआवजा नहीं मिला, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। रबी 2020 का भिवानी जिले के अंदर नॉन पैडी नॉन वीट का 8,62,00,000 रुपया ऑलरेडी भेजा गया है, तारीख भी आपको मैं अलग से लिख के दे दूंगा। और खरीफ 2021 का हमने 7,70,00,000 के आसपास पैसा वहां भेजा है। दिक्कत ये आती है कि फार्मर्स को अब चेक काट के नहीं दिए जाते। एक प्रथा थी 1.5 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के चेक्स हम फोटो टीवी पे देखा जाते, आज के दिन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए किसान को जाके ट्रेजरी में अपना अकाउंट अपडेट कराना पड़ेगा। जैसे ही वो कराएगा सेम डे उसका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मैं माननीय सदस्य को भी करूंगा और एफसीआर बैठे कैंप जरूर सारे जिले वाइज लगाइए जिसके अंदर ये कोई भी फार्मर ऐसा है जिसका क्लेम बनता है ट्रेजरी में पैसा पड़ा। मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं कि 2010 से लेके 2015 तक का गया मुआवजा भी आज के दिन 200 करोड़ अनयूटिलाइज पड़ा है। 2015 से 2020 और आज तक का कुल मिला लें तो 1,000 करोड़ के लगभग पैसा ट्रेजरी में पड़ा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जहां फार्मर्स क्लेम लेने नहीं आते। मैं तो अगर हाउस प्रस्ताव करता है कि जिसके 3 साल 5 साल हो गए और उस मुआवजे का कोई क्लेमेंट नहीं है, सरकार उसका और तो उपयोग कर सकती है, फार्मर अपलिफ्टमेंट के अंदर उपयोग कर सकती है। इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्य ने कहा ये तो है जो सरकार मुआवजा देती है, इसके साथ खरीफ 2016 से लेकर रबी 2021-22 तक के अंदर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका आंकड़ा ये बताता है कि 5,657.02 करोड़ रुपया 5,667.02 करोड़ रुपीज हैव बीन डिसबर्स्ड किसान के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलग से गए। तो आपका यह कहना कि पैसा नहीं जाता, सरकार पैसा जैसे ही रिपोर्ट्स बनती है जैसे ही उसके अप्रूवल होते हैं तुरंत भेजती है, मगर उसके बाद फार्मर की लिंकेज उनके अकाउंट के साथ करानी जरूरी है और जैसे ही वो होती है पैसा उनके खाते में सेम डे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मैं आपको आपके जिले स्पेसिफिक रिपोर्ट दे दूं, कंडीना के अंदर 628 हेक्टेयर में गेहूं और 1009 हेक्टेयर में सरसों की फसल खराब हुई है। वहीं महेंद्रगढ़ में गेहूं की फसल 6261 हेक्टेयर में और सरसों की 6889 हेक्टेयर के अंदर खराब हुई है। नांगल चौधरी में लगभग 537 हेक्टेयर गेहूं की फसल खराब हुई है और नारनौल के अंदर 537 और नारनौल के अंदर 115 हेक्टेयर
ये रिपोर्ट प्राइमरी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जनरल गिरदावरी की आई, उसके बाद स्पेशल गिरदावरी के कल आदेश दिए गए। ओलावृष्टि और बारिश से जो अब नुकसान हुआ है पिछली 18, 19, 20, 21 तारीख को, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी वो इसके साथ क्लब हो जाएगी और उस किसान को भी ऐड कर पूरा, जैसे किरण चौधरी जी कह रही थी 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, उसके अंदर 9,000, 12,000, 15,000 रुपए के हिसाब से उसको मुआवजा हम देंगे।